तो ये एक जो वर्डिक्ट आया है, अब अगर मोदी जी सरकार बनाएंगे तो उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा, उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा, और वो भी बड़ा अच्छा नज़ारा होगा देखने के लिए, क्योंकि 400 पार बल्कि माशाल्लाह से इतने जो आप लोग यहाँ पर जमा हैं, आप लोगों ने भी कहा था, एक एक का नाम अगर लेके बोलूँ 450, किसी ने कहा 400, तो अंग्रेज़ी में एक कहावत है, यू विल हैव टू ईट द क्रो नाउ, माने आपको कौवा खाना पड़ेगा। तो अब नहीं मालूम खाएंगे नहीं खाएंगे, मगर कहावत है। किसी एक माशाल्लाह एक साहब ने तो जो बड़े अपने आप को माहिर कहते, उन्होंने कहा कि हैदराबाद हम नहीं जीतेंगे। खैर, अल्लाह जो चाहता है वही होता है। तो तीसरी बात, अहम बात यह है कि अगर ऐसा मौका आता है कि देश के तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, अगर उसमें हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम यकीनन उसका उसमें साथ देंगे, क्योंकि हमने एक पब्लिकली एक स्टैंड लिया है कि हम बीजेपी को रोकेंगे। और चौथी बात यह है कि हम नरेंद्र मोदी से ये बताना चाह रहे हैं कि आप देखो ये नतीजा क्यों आया, उनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले 4 साल से जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं उनकी फौरन रिहाई अमल में लाई जाएगी कानूनी तरीके से, क्योंकि याद रखिए कि अगर आप कमज़ोर पे जुल्म करेंगे तो उस कमज़ोर की तकलीफ को ऊपर वाला सुनने वाला है। तो अब नहीं मालूम कि फाइनल काउंटिंग होने के बाद कितने सीट बीजेपी लाएगी, मगर मुझे ये लगता है कि इंशाअल्लाह ताला वो मैजिक नंबर बीजेपी नहीं लाएगी। और क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो ये हमारा इनिशियल रिएक्शन है। मैं आपके ज़रिए से रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी पार्टी 8 लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल की, और महबूब नगर में भी हमने भी कोशिश की, कुछ 3000 वोट चिल्ला रोड से उनको कामयाबी नहीं मिली। सिकंदराबाद में मेजॉरिटी कम हुई है, और अफसोस की बात यह है कि बहुत से मुकामात पर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में खोलो प्रमोद है तो बहुत से मुकामात पर हम ये देखे हैं कि टीआरएस के लोग ओपनली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, ये भी आवाम के सामने आ गया। ये क्यों किए मेरे को नहीं मालूम, ये एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उनकी बहुत गलत स्ट्रेटजी थी। अब इसका क्या खामियाजा उनको अदा करना पड़ेगा वो जानते हैं, मगर ये बात फैक्ट है।